हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। धर्म व्यापार नहीं होता भरत, जो वस्तुओं का अदल बदल कर लिया जाए। धर्म अति कठोर और व्यक्तिगत होता है। यदि हर प्राणी अपना कर्तव्य एक दूसरे के कंधे पर डाल दे तो इस सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा। ये बात कहते हुए तुमने उचित अनुचित का विचार नहीं किया मेरे भाई। पुत्र तो उसे कहते हैं मेरे भाई, जो अपने सत्कर्मों का फल अपने पिता को समर्पित करके परलोक में उनका उद्धार करे, न कि वो जो पिता के सत्कर्म को छूटा करके उनका मस्तक लज्जा से झुका दे। परम पूज्य गुरुदेव, भैया, समस्त ऋषिगण, अयोध्या राज्य के माननीय मंत्रीगण और प्रजाजन, मैं आप सबके सामने इस सभा में खड़ा होकर घोषणा करता हूं कि अयोध्या के जिस राज्य के असली उत्तराधिकारी श्री राम हैं, मेरी माता ने बड़ी कुटिल नीति द्वारा मेरे पिता श्री महाराज दशरथ को उनके दिए हुए वचन के जाल में फांस कर वो राज मुझे दिला दिया। परंतु ऐसे अधर्म के पथ पर चलना मैं सर्वथा अनुचित मानता हूं, क्योंकि राज का अधिकारी सर्वथा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। हमारे कुल की रीति और विधान भी यही है, इसलिए उसके विरुद्ध जाना अधर्म होगा। मैं ये भी जानता हूं कि मुझ जैसे पापी के मुख से धर्म और अधर्म की बातें सुनकर सारा संसार परिहास करेगा, परंतु मुझे एक ही आशा है, श्री राम जैसा दाता यह नहीं देखेगा कि मांगने वाला पात्र है या कुपात्र। इसलिए मेरे अवगुणों को ना देखकर मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कीजिए। अपने कुल धर्म के अनुसार अयोध्या के राज सिंहासन को ग्रहण करके मुझे और मेरी कलंकिनी माता को अपने पापों का प्रायश्चित करने में सहायता कीजिए। तुम अपने हृदय में व्यर्थ ग्लानि कर रहे हो। मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं कि तीनों काल और तीनों लोकों में तुम जैसा धर्मात्मा पुरुष ना हुआ है और ना होगा। तुम पर कुटिलता का आरोप लगाना महापाप है। भरत, तुम्हारे जैसे महात्मा का नाम स्मरण करने से ही पाप, प्रपंच और समस्त अमंगल मिट जाते हैं। माता कैकेयी को भी वही मूर्ख दोष देंगे जिन्हें गुरु से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। भरत, मेरे भाई, इन भावनाओं से ऊपर उठकर केवल इतना सोचो कि हमारे महान पिता ने माता कैकेयी को दिए हुए जिस वचन के लिए न केवल मुझे त्याग दिया, परन मुझे त्यागने के दुख में अपने प्राण भी त्याग दिए, ऐसे सत्यवादी पिता के वचन को हम चारों भाई निभाएं या उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके वचन का निराधार करके उन्हें झूठा प्रमाणित कर दें। बताओ भरत, इस समय हम चारों भाइयों का क्या धर्म है? राम, मैं इस योग्य तो नहीं, किंतु आज सबके सामने मैं तुमसे क्षमा मांगती हूं। मुझे क्षमा कर दो राम। स्वर्गीय महाराज ने मुझे वर दिए थे, वो मेरे प्रति वचनबद्ध थे। मैं आज सब गुरुजनों के सामने स्वर्गीय महाराज से लिए हुए अपने उन वचनों को वापस लेती हूं और तुम सबको अपने उन वचनों से मुक्त करती हूं। इसके लिए बहुत देर हो गई माता। आपको वचन देने अथवा अपना वचन वापस लेने का अधिकार केवल पिताश्री को था। मैं तो केवल इतना ही जानता हूं
कि पिताश्री के परलोक सिधारने के बाद उनके वचन का पालन करना एक पुत्र के लिए संसार के सब धर्मों से बड़ा धर्म है। मुझे विश्वास है अपने अंतिम समय में भी उन्हें इस बात पर गर्व रहा होगा कि उनके पुत्र ने उनके वचन का पालन किया। क्या उनकी मृत्यु के बाद हम उनका वो गर्व नष्ट कर देंगे? भरत, हमारे पिता जाने से पहले ये आज्ञा दे गए हैं कि एक पुत्र वन में रहे तथा दूसरा राजा बने। उनकी इस आज्ञा का पालन करना ही हम सबका धर्म है। ठीक है, अगर यही धर्म है तो मैं 14 वर्ष वन में रहता हूं, परंतु आप अयोध्या लौट जाइए। धर्म व्यापार नहीं होता भरत, जो वस्तुओं का अदल बदल कर लिया जाए। धर्म अति कठोर और व्यक्तिगत होता है। यदि हर प्राणी अपना कर्तव्य एक दूसरे के कंधे पर डाल दे तो इस सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा। तुम राजा होकर ऐसे अनाचार की बात सोचते हो तो इसका प्रभाव प्रजा के साधारण मनुष्यों पर क्या पड़ेगा? ये बात कहते हुए तुमने उचित अनुचित का विचार नहीं किया मेरे भाई। भैया भैया, इस समय मुझे उचित अनुचित कुछ नहीं सूझ रहा। बस मुझे एक ही बात का भरोसा है, मेरे भैया का मुझ पर इतना स्नेह है कि बचपन में भी जब कभी मैं खेल में हार जाता था तो वो मेरे लिए झूठ बोलकर भी मुझे जिता देते थे। आज भी उसी स्नेह को याद करके मैं अपने स्नेही भैया से ये बात कहने का साहस कर रहा हूं कि आज भी आप उचित अनुचित का विचार त्याग कर मुझे जिता देंगे। भैया भैया, मैं आपका वही छोटा सा भरत हूं। भैया, तुम्हारे लिए तो मैं आज भी झूठ बोलने का पाप कर सकता हूं, क्योंकि उसमें केवल पाप का दंड मुझे ही भोगना होगा। परंतु तुम मुझसे वो कार्य करने को कह रहे हो जिससे हमारे पिताश्री का वचन झूठा हो जाएगा। पुत्र तो उसे कहते हैं मेरे भाई, जो अपने सत्कर्मों का फल अपने पिता को समर्पित करके परलोक में उनका उद्धार करे, न कि वो जो पिता के सत्कर्म को छूटा करके उनका मस्तक लज्जा से झुका दे। तो ठीक है भैया, आप अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना धर्म निभाता हूं। मैं भी इसी परण कुटी के सामने कुशा बिछाकर अन्न जल ग्रहण किए बिना तब तक बैठा रहूंगा जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता कि श्री राम को भरत प्यारा है या नहीं। नहीं तो इन्हीं चरणों में प्राण दे दूंगा। नहीं नहीं भरत, नहीं। मुझे ऐसे धर्म संकट में न डालो, मुझसे तुम्हारा दुख सहन नहीं होगा। गुरुदेव गुरुदेव, रक्षा कीजिए गुरुदेव। मैं भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूं राम। ऐसा लगता है भरत अपने प्रेम की गंगा में सब कुछ डुबो देगा, धर्म ज्ञान विवेक कुछ नहीं बचेगा।